एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने तांडव विवाद पर खान गैंग से कहा कि अगर फिल्में बनाना है तो पीर पैगंबरों पर बनाओ, हिंदुओं को तांडव करने के लिए प्रेरित ना करें, अन्यथा सैफ अली खान को भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मसले पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा खासे नाराज हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में खान गैंग से कहा है कि हिंदुओं को तांडव करने के लिए मजबूर मत करो। देखिए, खान गैंग ने जो फिल्म बनाई है, इस गैंग को हम केवल रिक्वेस्ट के साथ भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि भारत के राम के फॉलोवर बनाने की आपको जरूरत नहीं। आपके पुरखे भी राम के ही फॉलोवर थे, आपके बाप दादे भी राम के और कृष्ण के, महावीर के, गौतम बुद्ध के, गुरु नानक के ही फॉलोवर थे, भगवान शंकर के ही फॉलोवर थे। आप हिंदू देवी देवताओं के फॉलोवर बढ़ाने की जो है आपकी औकात और हैसियत नहीं है। आपसे मेहरबानी करके अगर फिल्म बनाना है तो एक्टर बनाओ, थ्योरी बनाओ, उसकी कुछ स्टोरी बनाओ, समझ में आता है। आप केवल हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अपनी फिल्म चलाकर अपने पैसे कमाने की रखते हो, और इसलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है और मुसलमानों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे जो खान एक्टर हैं इनको जरा शुद्ध हिंदी में समझा दीजिए कि ना तो मंदिर में चुम्बन हो सकता, न राम के फॉलोवर या कृष्ण के या महावीर के या गौतम बुद्ध के या भगवान शंकर के फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी खान की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर बनाना है तो पहले अपने पीर पैगंबरों के बारे में बनाओ, तब अच्छा रहेगा। हिंदुओं को तांडव करने के लिए प्रेरित मत करो सैफ अली खान। अगर हिंदू तांडव करने पर उतारू हो गया तो आपको अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे। इसलिए मेहरबानी करके कभी भी भगवान पर फिल्म बनाकर बेइज्जती, बदतमीजी और वत्सलूकी करना बंद करो। हिंदू देवी देवताओं के बारे में जब जानते ही नहीं हो तो उनके बारे में कुछ भी बनाने का आपको अधिकार नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।